दोस्तों, हम जब भी एक नया पीसी बाय करने की सोचते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम लैपटॉप के साथ जाएं या डेस्कटॉप के साथ, क्योंकि दोनों का ही अपनी अपनी जगह पे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 मेन पॉइंट्स जो आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगी और आप सही डिसीजन ले पाए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, डेस्कटॉप या लैपटॉप। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, पोर्टेबिलिटी। लैपटॉप का एक बड़ा फायदा है उसकी पोर्टेबिलिटी। आप इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो या एक ट्रैवलर हो। लैपटॉप आपको कहीं भी कभी भी काम या एंटरटेनमेंट करने की सुविधा देता है। ये लाइटवेट और कॉम्पैक्ट होता है, इसीलिए इसे अपने बैग या बैकपैक में आसानी से कैरी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो डेस्कटॉप लैपटॉप से बेहतर होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में प्रोसेसर और रैम साइज में बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये काम करने में तेज होते हैं। अगर आप हेवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग, तो डेस्कटॉप्स आपके लिए सही चॉइस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कस्टमाइजेशन। डेस्कटॉप को कस्टमाइज करना बहुत ही आसान होता है। आप अपने डेस्कटॉप में हर एक चीज, जैसे कि रैम, सीपीयू, जीपीयू, स्टोरेज, यहाँ तक कि मदरबोर्ड आसानी से चेंज कर सकते हो। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना डेस्कटॉप कस्टमाइज कर सकते हो, जो लैपटॉप में इतना आसान नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, सर्विस। अगर आपकी लैपटॉप में कोई दिक्कत आई तो आपको सिर्फ एक ही कंपनी, यानी जिस ब्रांड की लैपटॉप है, सिर्फ उसी कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाना है। लेकिन वहीं डेस्कटॉप में अलग अलग पार्ट्स के सर्विस के लिए अलग अलग कंपनी को अप्रोच करना होगा, क्योंकि आप कई ब्रांड से पार्ट्स लेकर खुद पीसी बिल्ड कर रहे हो। पॉइंट नंबर 5, प्राइसिंग। लैपटॉप और डेस्कटॉप की प्राइस में नोटिसेबल डिफरेंस होता है। आमतौर पर 40,000 के एक लैपटॉप की प्राइस में आपको उससे काफी पावरफुल एक डेस्कटॉप मिल जाएगा, तो लैपटॉप्स डेस्कटॉप से महंगा होते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच। हर डिवाइस अपने अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशन के साथ आता है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंस के हिसाब से फैसला ले सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करके जाना, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक स्टे चिल विद टेक्नोचिल।